नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां बेहद खस्ता हाल और खतरनाक मऊगंज बरहटा मार्ग के चलते ट्रक खराब हुआ तो वहीं पर साइड से निकलने की कोशिश में हाईवा सड़क की दलदल में फंसा, जिसके बाद सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई, जहां पर दिन भर भारी जाम लगा रहा और इस हालत में यहाँ प्रशासन विवश दिखा। पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही का लोग शिकार हो रहे हैं, प्रशासन के जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। बीते वर्ष सड़क हादसे में मोहित मिश्रा निवासी ग्राम मऊ बगदरा की मौत के बाद भी प्रशासन संवेदनहीन दिख रहा है। मऊगंज बरहटा सलार पुल क्षतिग्रस्त और गड्ढे में तब्दील है, तो वही पुल में लगी लोहे की प्लेट का एक हिस्सा उखड़कर बाहर आ चुका है। सड़क और पुल के दोनों तरफ बड़े गड्ढे हैं, जिससे रात्रि में यात्रियों के लिए जानलेवा और छोटे वाहनों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ऐसे एक बार पुनः प्रशासन की अनदेखी और पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही यहां पर बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है। समाज से भी संतोष मिश्रा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसके पूर्व भी क्षतिग्रस्त सड़क के चलते बस की चपेट में आए बेगुनाह युवक की जान चली गई, जिसके बाद उग्र भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल भी किया था। इसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश जारी है, जिसके लिए शासन प्रशासन पुनः जिम्मेदार होगा। इतनी हालत खराब इस रोड की है कि शायद ही भारतवर्ष में कहीं ऐसी रोड हो, और यहाँ स्कूली लड़के जाते हैं, इतने वाहन निकलते हैं, और ये धूल देखिए, और इतना ये देखिए, इतना खतरनाक यहाँ है कि कोई गाड़ी साइड में चली जाए तो पता चला कि सैकड़ों फीट नीचे गिर जाएगी। यहाँ एक इंगल निकला हुआ था जो कि वो जानलेवा था, एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये कल काट दिया गया है। पर पुलिया की देखिए स्थिति इतनी दयनीय है। यहाँ एक बस, पिछले साल एक लड़का यहाँ मोहित मिश्रा करके एक्सीडेंट हुआ, और एक साल से बस यहीं पड़ी हुई है, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं। कहाँ पे है बस? ये पीछे देखिए आपके जी, हाँ ये देखिए, जो बस की चर्चा कर रहे थे ये बस है। पिछले साल एक साल हो गए यहाँ, मोहित मिश्रा मऊ बगदरा का लड़का है, 24 साल उम्र थी, और प्रशासन की लापरवाही से यहाँ नो एंट्री लगी रहती है, दिन रात बराबर ट्रक चलते रहते हैं।